ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ पंजाब च वध रहीआं गैंगस्टरां दीआं वारदातां दे मद्देनज़र पंजाब पुलिस हुण पूरी तरह नाल चौकस विखाई देण लगी है। अमृतसर जिले दे विच पुलिस नूं अज वड्डी सफलता हथ लगी है, जिथे पुलिस ने वड्डी गिनती च हथियारां सने 16 नौजवानां नूं गिरफ्तार किया है, जिन्हां विचों कई वड्डे गैंगस्टर भी हन। गिरफ्तार किए गए इन्हां नौजवानों तो पुलिस ने 7 राइफलां ते पिस्तौल भी बरामद किए हैं, जिन्हां नूं पुलिस ने अपने कब्जे च लैके इस मामले की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस नूं मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 16 लोगों चो कई गैंगस्टर भी हैं जो जमानत से जेल तो बाहर आए हुए सन। पुलिस के मुताबिक सारे लोग एक ढाबे से बैठे सन जो एक वड्डी वारदात को अंजाम देने की फिराक च सन। वारदात तो पहला ही पुलिस ने उक्त दोषियों को हथियारों के सने दबोच लिया है। इस सारे मामले संबंधी अज अमृतसर के SPD अमृतसर देहाती मनोज ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि थाना ब्यास के अधीन पुलिस को एक कामयाबी मिली है। कल अपने एक इनफॉर्मेशन आई सानू कि उत्थे एक कला नौर ढाबा GT रोड ब्यास दे DSP साहब SHO साहब जो इनफॉर्मेशन आई तो फिर इन्होंने टीम गठित की है। उत्थे जाके जो रेड किया, रेड करन ते सानू जिहड़े 16 बंदे उत्थे बैठे सीगे, जो उन्हां दी सर्च की तो उन्हां कोलों हथियार मिले ने, 7 राइफलां, 7 जिहड़े पिस्टल मिले ने, 6 राइफलां, 7 पिस्टल मिले ने, 7 राइफलां, 7 पिस्टल। हाँ जी, उन्हां विच 14 बंदे जिहड़े असीं उत्थों गिरफ्तार किए आ, 16 बंदे गिरफ्तार किए ने। उन्हां दी जदों सर्च की हर बंदे कोल किसी कोल पिस्टल, किसी कोल राइफल, तो उन्होंने को बरामद हुई हैं। साढ़े SSP साहब या DG सर वालों बहुत हदायत ने, जो क्रिमिनल बंदे ने उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और साढ़े ऑपरेशन भी ये चल रहे हैं। गैंगस्टर फड़ रहे हैं, इन्हां विच जिहड़े 4 गैंगस्टर भी ने, जिहड़े गैंगस्टर ने मैं उन्हां दा तुहानूं नाम भी दस दिंदा। एक बलविंदर सिंह, इहदे ते परचे 302-307 दे परचे भी दर्ज ने, ये बेल ते बाहर आया हुआ सीगा। दूजा हैगा जर्मन सिंह, उन्हां ते भी परचे ने 302 दे 307 दे, वह भी गैंगस्टर ने। यह तरन तारण का रहने वाला मनप्रीत सिंह, यह भी तरन तारण का, ये भी बहुत परचे ने 302-307 दे, यह भी गैंगस्टर है। गुरप्रीत सिंह यह भी गैंगस्टर ने। ये 4 गैंगस्टर ने, टोटल ये 16 बंदे ने। इन्हां कोलों जिहड़ी जिहड़ी रिकवरी हुई ने, 6 पिस्टल, 32 बोर दे, 8 मैगजीन, 40 जिंदा रौंद ने जी, ते दूजा 4 राइफल 315 दी, 4 मैगजीन, 30 जिंदा रौंद ने, 2 राइफल 12 बोर दी, 5 जिंदा अपने रौंद ने, 1 पिस्टल 30 बोर दा, 2 मैगजीन 16 रौंद ने, 1 मैगजीन राइफल आ समेत 30 रौंद ने। इहदे विच जिहड़ी FIR नंबर 56 दर्ज हुई आ 8/4/2022 नूं, जुर्म 160, 151, 379, 411, 188, 109, 447, 511, 148, 149, 506, 25, 57, 54 एक्ट असले के तहत यह परचा दर्ज होया। हाँ जी, ये बहुत बड़ी एक वारदात करन जा रहे सीगे। ये कुछ बंदे जिहड़े प्रॉपर्टियां ते कब्जा भी करते हैं, जिन्हां दी बैकग्राउंड हैगियां ने,
ये कल जे ना फड़े जाते तो बहुत बड़ा कि कतलेआम हो सकता सी, बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते सी। हूँ इन्हों मानयोग अदालत में अं पेश कर रहे, इन्हों रिमांड लै रहे हैं, जो जो चीज़ा सामने आएगी तो दसांगे पूरा। इनफॉरमेशन डीएसपी साहब नू एसएचओ साहब नू दित्ती गई भी इस प्रकार के गैंगस्टर प्रकार के बंदे आ, जुर्म करने वाले बंदे आ, जे तुसी हुण उत्थे होटल दे उत्ते कलानौर होटल दे जी टी रोड से रेड करोगे ते तुस तुहानू ओ बंदे मिल सकदे, ते उहनां कोल हथियार भी बहुत मिल सकते हैं, एंड लीगल भी है, लसेंसी भी है बीच, पर सानू कोई भी हाल इन्होंने लसेंस नहीं दिखाया। भजन की कोशिश कर लगे सीगे ते पुलिस पार्टी ने जे इन्हों चारों साइडों तो घेर लिया सीगा, सीनियर अफसर के एस एस पी साहब के नॉलेज सीगा, होर सीनियर अफसर के नॉलेज सीगा, पूरा प्लान करके जरा इन्हों फड़िया गया। फायरिंग नहीं हुई है, जदों असीं इन्हों घेर ही लिया तो इन्हों कह भी दिता जे कोई यही जी हरकत करेगा तो आप जवाबी कार्रवाई कर, वार्निंग दी, सरेंडर करता ना, क्योंकि इन्हों चारों साइडों तो घेर लिया सीगा। बड़ा वधिया एक एस एच ओ डी एस पी साहब ने और टीम ने बहुत वधिया वर्क किया, तो यह जे अगे भी होर भी अही मैसेज देना चाहते अपने प्रेस के राही कि जेडे भी इदा के बंदे है वह कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तरन तारण के भी सीगे जी, तो अपने अमृतसर के बीच बार भी कीतियां जी, इन्होंने तरन तारण च भी कीतियां, 302 मुकदमे भी है जी, इन्होंने 307 मुकदमे भी है जी, खोहां लुट्टां के भी मुकदमे है जी, इन्हों को इन्हे असले के भी पहले परचे दर्ज होए जी, नजायज असले के है जी, अली इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, जिहड़े जिहड़े इन्हां दे तार जुड़े होणगे जिथे जिथे उन्होंने इस मुकदमे के बीच लैके आवा। ये 16 बंदे ने जी, इन एज ग्रुप, इन्हों का एज ग्रुप 35 to 40 के बीच, 26, 27, 28 इदा के अलग अलग एज ग्रुप के है बंदे, नहीं छोटा कोई नहीं है, उपरी है 25-26 साल तो उत्ते ही है, 40-45 साल तक के है जी। इन्वेस्टिगेशन के जो जो चीज़ा आन गई जो जो हमें हूँ पता लग्या, इन्हें जेडे FIR लॉज ने जेडे गैंगस्टर ने चैक किया गया, तो हाल ही ने सारी पूछगिछ करांगे, हो सकता इन्होंने होर भी वारदातें कीतियां होणगियां दूजे जिले तो भी, आप पता करा रहे हैं कि खोहां लुट्टां दे विच, उन्हें मानयोग अदालत तो अं जो इन्हों रिमांड लिया तो इन्हों की जी पूछगिछ करांगे, तो अगली जी हाँ हो सकती है। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।